चित्तौड़गढ़ के अजोला के खेड़ा में 8 दिन पहले रेलवे ट्रैक पर लाश मिली थी। इसको लेकर ग्रामीणों ने आज एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने इसे हत्या बताते हुए इसकी जांच गंगरा थाना अधिकारी से करवाने की मांग की है। समाजजनों ने डिप्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इसके द्वारा जांच को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। जाट समाज से बद्रीलाल जाट ने बताया कि 22 मार्च को अजोला का खेड़ा रेलवे ट्रैक पर गिरधारी पुत्र किशन जाट की लाश मिली थी। पहले इसे आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन लोको पायलट ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर लाश पहले ही पड़ी थी, गिरधारी की पहले ही मौत हो चुकी थी। अब इस मामले को की जांच गंगरार थाना अधिकारी मोतीराम सारन से शुरू की तो सामने आया कि मृतक के शरीर पर कटने के निशान थे। इसके बाद समाजजनों ने हत्या का आरोप लगाया। न्यूज डे राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। 8 दिन पहले गिरधारी नाम का जो लड़का है उसकी हत्या करके रेलवे ट्रैक के बीच में उसको सुला दिया गया है। जब उसका ग्रामवासियों ने मौका मुआयना किया तो एक तो हार्ड के ऊपर लगी हुई थी धारदार हत्या द्वारा, दोनों पैर के जो घोड़े हैं उसके उस पर निशान थे, और अगर रेल से एक्सीडेंट होता है तो कहीं ना कहीं क्रोच आती है दूसरी जगह अंग भंग पे, कपड़े भी नहीं फटे हुए थे और क्या वो सोया हुआ था, चप्पल पहने हुए थे। तो मुझे ऐसा लगता है, और जब ग्रामवासियों ने लोको पायलट से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट ट्रेन से नहीं हुआ है और ये पहले ही सोया हुआ था लाश जिसको बोलते हैं। तो पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि 8 दिन पहले जो घटना घटी उसको 302 में मुकदमा दर्ज करके तत्काल इन्वेस्टिगेशन करके दोषी को पकड़ा जाए, निर्दोष को सजा ना मिले और दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये अजोला खेड़ा यदि समय रहते पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की, स्पेशल टीम बनाकर करे और ये नहीं की तो फिर आगे ग्रामीण 5-7 दिन बाद और नया जो भी है रूप मोड़ लेकर के आगे स्वयं कार्रवाई अपने हिसाब से करेंगे।